नहीं सर, करता हूँ मैं सर। करता है? हाँ जेन्युइनली सर। एक जमाने में निरोध भी बेचता था। कमाल है आदमी का यार। वो बहुत 12 साल हो गए सर बात को। हाय 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 रणवीर। हाय रणवीर। नहीं नहीं वाकई फैक्चुअल बात है, यूज करके ही फिर मैं बेचता हूँ भाई। पता होना चाहिए ना, क्योंकि जब ही सर आए थे तभी मैं एकदम कौला कौला था ब्रांड्स वर्ल्ड में। अभी तो जय झूलेलाल 40 ब्रांड हो गए। हाय रणवीर। अरे रुक रे। ओ सॉरी। जब ऐसे मसाला आता है ना, और वो भी देसी मसाला, तो फिर बनता है देसी चाइनीज। और जो हिट बनाते हैं, एक मसाला का डॉन, दूसरा मसाला बॉम्ब, तो बनेगा चिंग्स देसी चाइनीज। सर ये ड्यूरेशन पे किसने सोचा, 5 पे रोक दो? ये तो हम तो यहाँ बैठ के कह रहे चलने दो, ऐसा क्यों? आगे आगे देखो होता है क्या। देख चाइनीज खाना अलग होता है, लेकिन देसी चाइनीज एकदम अलग ही होता है। राइट है ना। मेरे को पूछो मेरा फेवरेट क्विजीन क्या है, तो मैं नहीं बोलूंगा चाइनीज फूड, देसी चाइनीज। बहुत अलग होता है, बहुत यूनिक होता है। तो देसी चाइनीज है और मेड इन इंडिया है, वेरी प्राउडली मेड इन इंडिया। दैट्स व्हाई ठोक के बोल सीना, ठोक के बोल सीना, ठोक के बोल मेड इन इंडिया। तेरे को तो गोली लगेगी ना, उस पे ऐसा लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो भैया एक काम करते हैं, सीधे साधे सच्चे शब्दों में इट्स ओवर टू यू गाइस, जो भी सवाल है दाग दो जी। हाय रणवीर, संजय मिश्रा नव भारत टाइम्स ऑनलाइन से। इधर हमारे सर्कस में भी एक संजय मिश्रा साहब हैं। हेलो। हाँ उनको देखना जरूर देखना। तो रणवीर जब भी आप किसी भी ब्रांड से जुड़ते हैं, चाहे वो किंग्स हो या कोई और भी, तो आपका क्राइटेरिया क्या होता है कि उसको पहले यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ आप सोचते हैं? अरे ऐसा कोई नहीं करते। नहीं सर, करता हूँ मैं सर। करता है? हाँ जेन्युइनली सर। एक जमाने में निरोध भी बेचता था। कमाल है आदमी का यार। वो बहुत 12 साल हो गए सर बात को। हाय 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 रणवीर। हाय रणवीर। नहीं नहीं वाकई फैक्चुअल बात है, यूज करके ही फिर मैं बेचता हूँ भाई। पता होना चाहिए ना, क्योंकि जब ही सर आए थे तभी मैं एकदम कौला कौला था ब्रांड्स वर्ल्ड में। अभी तो जय झूलेलाल 40 ब्रांड हो गए। हाय रणवीर। अरे रुक रे। ओ सॉरी। तो अजय सर जब आए थे, मेरे को याद है यशराज में पहली मीटिंग में वो चिंग्स लेके नहीं आए थे अपने साथ, याद है सर आपको? मैंने बोला सर आपका वाइब एकदम अच्छा है, लेकिन मैं तब तक हाँ नहीं बोल सकता हूँ जब तक मैं खुद चखू नहीं। तो दूसरी मीटिंग की, वहां जब भी मीटिंग में एंट्री की, ऐसे चिंग्स नूडल्स और वो बेसिकली इन्होंने मेरे को शेजवान चटनी खिला के फंसा दिया। वो जो नशा है ना शेजवान चटनी में, आ हा 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 हा, सुबह को पता चलेगा। तो सब टेस्ट करके खा के एंजॉय करके फिर मैंने हाँ बोला। फैक्चुअल बात है, आई रिमेम्बर हमने नूडल बनवाया एट यशराज और इन्होंने ऐसे करके खाया और फिर बोला मैगी चो। बेसिकली वो जो दूसरे भी बेच रहे थे नूडल बिडल, उन लोग की भाई साहब वाट लगाने के चक्कर में थे, तो विथ बिग प्लान एंड वेरी अग्रेसिव प्लान वो आए थे काफी साल पहले। लेकिन फैक्चुअल बात है मेरे भाई, मैंने हाँ तब तक नहीं बोला जब तक मैंने ट्राई करके देखा नहीं कि वाकई इसमें दम है कि नहीं। और हाँ नूडल तो माइंड ब्लोइंग था ही, लेकिन शेजवान चटनी पे तो मैं फिदा हूँ। दो चीज मेरे को बहुत बहुत अच्छी लगती है सर लाइफ में, एक न्यूटेला और एक चिंग शेजवान चटनी। हाय रणवीर। हाय रणवीर जी। सर सेंटर मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। यू स्टार्टेड बाय सेइंग दैट यू लव देसी चाइनीज एंड व्हिच इज सो यूनिक फ्रॉम द ऑथेंटिक चाइनीज। सो मेरा थोड़ा एक नॉस्टैल्जिक सवाल है, यू नो एज फार एज आई कैन रिमेंबर माय चाइल्डहुड, सो द फर्स्ट इंट्रोडक्शन फॉर मी टू चाइनीज वाज ऑब्वियसली द देसी चाइनीज व्हिच वाज ऑन द स्ट्रीट। So was it the same for you? Like, yes, my brother. Actually, एक बांद्रा में एक जगह होती थी बहुत हिल रोड पे, लियाउज करके, वो अभी बंद हो गया। फिर लियाउज बंद हुआ तो जिम्मीज चालू हो गया उसके सामने, वो भी मैं खाता था। लेकिन एच आर कॉलेज में मैं जाता था, 11th एंड 12th किया मैंने,
और वहाँ पे जो चाइनीज बंदा, हाँ देख मैं तू भी खाया ना, हाँ उधर उधर ये भाई साहब बहुत जाते हैं, देखो चेहरा देखो कितना खिल उठा है, हाँ चाइनीज तो चाइनीज वहाँ पे लड़कियों को भी ताड़ते हैं, मालूम है मेरे को बेटा, सब मालूम है।